हेलो, सलाम अलैकुम। मैं मिस्टर मन्नई, आइए आपको डीसी मोटर ब्रेवो बॉक्स के साथ कैसे कनेक्शन किए जाते हैं अभी आपको बताता हूँ मैं। ये हमारी डीसी मोटर है, ये जो पावर की लाइन है, ये न्यूट्रल है, ये वाली फेस है इसकी, इसको 12 वोल्ट सप्लाई दी जाती है। ये जो है ये टैको की है कनेक्शन, टैको के ये टैको कनेक्शन है। तो ये है, ये यहाँ से हम M1 M2 यहाँ से इसको डीसी हम सप्लाई देते हैं ब्यूरो कार्ड के जरिए, ब्यूरो बॉक्स की तरफ। तो यहाँ पर हम इसको फिल्टर सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर लगा के, L1 L2 फिल्टर सप्लाई जो होती है वो 3 फेज सप्लाई इसको दी जाती है। तो A180 ये टैको के ऊपर सप्लाई जाती है, और रिटर्न जो होती है ये वाली, ये 11-12 पर हम DT की जो सप्लाई आती है, तो हम 11-12 पे ये प्लस है, 12 पे प्लस है और 11 पे माइनस है। और एक स्पीड के लिए हमारी रेफर आती है, ये 9 और 10 के ऊपर, 10 के ऊपर नेगेटिव है और 9 के ऊपर जो है ना पॉजिटिव है। ये हमारी स्पीड की रेफरेंस है, हमारी डांसिंग से स्पीड जैसे ही डांसिंग बढ़ती जाए ऐसे ही वेरिएबल उसको डांसिंग करते करते इसको स्पीड को बढ़ाती है। जितनी स्पीड की मशीन की स्पीड ज़्यादा होगी इतनी डांसिंग ज़्यादा करेगी, ये वेरिएबल इसको अप करती रहेगी ये। और ये जो है 6 और 7 जो प्लस माइनस है हमारा, इसके ऊपर हम 10 वोल्ट सप्लाई लेते हैं टैको के लिए। तो 5 और 6 के लिए इस कार्ड से हमें सप्लाई मिलती है। ये हमारा ब्रेवो कार्ड है, ये ऐसे निकाला जाता है, ये ब्रेवो कार्ड है, ये जो वेरिएबल स्पीड से कंट्रोल करता है। तो ये कार्ड यूज़ किया जाता है इसमें। तो ऐसे ही इसको बॉक्स में लगाया जाता है, इंस्टॉल करने के लिए है, ऐसे इंस्टॉल किया जाता है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे, ये बॉक्स से बाहर निकल गया, बॉक्स से ओपन हो गया। तो अभी मैं इसको बॉक्स में डाल लूँगा, ये अभी बॉक्स में चला गया, अंदर चल जाता है। तो यहाँ पर इसको L1 L2 L3 जो है वो सप्लाई दी जाती है, फिल्टर सप्लाई दी जाती है। यहाँ से M1 M- M+ ये दोनों सप्लाई हैं यहाँ पे, ये सीधी मोटर में चली जाती है, साथ ही टैको को सप्लाई देती है चली जाती है। ये 9 और 10 हमारे टैको जनरेटर के ऊपर है सप्लाई, ये हमारी स्पीड के लिए 9 और 10, 11-12 टैको के लिए, 9 और 10 रेफर के लिए हमारी। तो ये 7 प्लस और माइनस ये हमारी PLC के सिग्नल के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये 10 वोल्ट जो कार्ड के जरिए हम प्रूफ सिग्नल के लिए यूज़ की जाती है। ये ओके, यहाँ पर रिले यूज़ की जाती है, रिले एक साथ लगा कर इसको ऑन किया जाता है। तो ये वेरिएबल स्पीड मोटर है, डीसी मोटर, ये का ब्रेवो बॉक्स है ये। तो ये इसकी प्लस माइनस स्पीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्रेवो बॉक्स बहुत अच्छा डीसी स्पीड को कंट्रोल करता है ये ब्रेवो बॉक्स। तो ये FC डीसी कनेक्शन है, ये यहाँ पे इन हो जाती है। ये हमारी डीसी मोटर की ये पावर है इसकी, ये हमारी तकरीबन ये 57.9-10 एम्पीयर तक ये डीसी काम करती है ये। तो 3000 इसके RPM होते हैं, तो ये 57 वोल्ट तक काम करती है DC, 57 वोल्ट पर। जैसे ही वोल्टेज अप हो जाती है इसकी स्पीड अप होती है, जैसे ही वोल्टेज डाउन हो जाते हैं ऐसे ही इसके स्पीड कम होती जाती है। जो ये DC मोटर है, तो ये इसका ब्रेवो बॉक्स है, इस ब्रेवो बॉक्स का स्पीड कंट्रोल की जाती है। मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, ज़रूरी लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके पास नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। ये इसका कनेक्शन डायग्राम है, ये DC कनेक्शन डायग्राम है इसका, जैसे ब्रेवो कार्ड के साथ हमने कनेक्शन की हुई है, उसके साथ कंप्लीट डायग्राम है इसका, ये वाला।
मेरी वीडियो आपको पसंद आई ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।